लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये खिलौने ही अब मेरे हथियार बन जाएंगे और फिर शुरू होगी शहर की तबाही। अपने एक एक जख्मों का हिसाब लूंगा मैं। इस बेरहम और मक्कार दुनिया की तबाही मेरा मकसद है। नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ के आरटीवी की तरफ से आए हैं। शक्तिमान फैंस क्लब के समारोह में आज शक्तिमान भी आने वाले हैं और शक्तिमान का समाज के प्रति जो योगदान है उसका सम्मान करने के लिए आज पर्यावरण मंत्री भी हमारे बीच मौजूद हैं। अब आदरणीय पर्यावरण मंत्री जी श्री घनश्याम प्रसाद जी से मेरी आग्रह है, वो शक्तिमान फैंस क्लब के बच्चों को आशीर्वाद देकर कुछ कहें। आइए। खुशियां नहीं मातम होगा, चारों ओर मातम ही मातम। जान को खतरा हो सकता है। We'll be right back.
किसका काम हो सकता है? शूट करो। हाँ हाँ गंगा सर, कैमरा मेरी तरफ। दोस्तों आपने देखा, शक्तिमान के आने से पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन इस हादसे के पीछे और शहर में होने वाले आतंक के पीछे जिसका हाथ है उसका नाम हम जान चुके हैं। उसका नाम है टॉय मैन। दोस्तों ये वही टॉय मैन है जो कुछ दिन पहले बैंक के लुटेरों से पैसे छीनकर चला गया था। उसने एक परिवार को भी मौत की नींद सुला दी थी और उस परिवार में अफसोस एक मासूम बच्चा भी था। शायद ये टॉय मैन भूल गया दोस्तों, इस शहर का रखवाला शक्तिमान है और शक्तिमान के होते हुए वो ज्यादा दिन तक खौफ नहीं फैला सकेगा। शिक्षा मंत्री जी के अनुसार खिलौने खतरनाक नन्हे लड़ाकू विमान बनकर बच्चों पर हमला करने लगे थे। खिलौने भेजने वाले ने शहर को तबाह करने की धमकी दी है। उसने अपना नाम दिया है टॉय मैन। अब देखते हैं हमेशा से शहर की रक्षा करने वाला शक्तिमान कैसे निपटता है इस मुसीबत से। शक्तिमान, पता है बहुत ताकतवर है तू, लेकिन तू भी मेरे कहर से शहर को बचा नहीं पाएगा। आज फिर बरसेगा मेरा कहर शहर पर। टॉय मैन के खिलौने शहर में जरूर आएंगे शक्तिमान। आज लोगों के मन से ये गलतफहमी हटा दूंगा कि तू उनका रहनुमा है। शक्तिमान, तू उनको बचा पाएगा? शहर को मेरे कहर से तू भी नहीं बचा पाएगा। शक्तिमान, तू भी नहीं बचा पाएगा। कितने अफसोस की बात है कि अब तक शक्तिमान टॉय मैन को नहीं पकड़ पाया। शक्तिमान भैया तो उसे पकड़ना चाह रहे थे कुंडल, मेरा मतलब है कुणाल मास्टर जी, परंतु वो भाग गया। शक्तिमान भैया का क्या दोष? आप ये मत भूलिए कुणाल जी कि टॉय मैन कोई आम इंसान नहीं है, कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही शातिर और ताकतवर इंसान। कहीं इसलिए तो शक्तिमान उससे कमजोर नहीं पड़ रहा है? गीता जी आपको तो मालूम ही होगा, कहीं शक्तिमान बीमार बीमार तो नहीं है? शक्तिमान भैया और बीमार? आप मजाक अच्छा कर लेते कुंडल, मेरा मतलब कुणाल मास्टर जी। शक्तिमान भैया? अरे शक्तिमान भैया तो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त है, और फिर भी टॉय मैन को नहीं पकड़ पाए, ये बात कुछ हजम नहीं हुई गंगाधर जी। अब आपका हाजमा खराब हो तो इसमें शक्तिमान भैया का क्या दोष? आप बाजार में जाकर हाजमे की कोई दवाई क्यों नहीं लेते? आजकल तो बाजार में बहुत सारे ब्रांड मिल रहे हैं। गंगाधर जी कहाँ जा रहे हैं आप? एक काम याद आ गया। ऐसा कौन सा काम याद आ गया? दरअसल क्या है कुंडल, मेरा मतलब है कुणाल मासे जी, आजकल हमारी माता श्री घर में नहीं है, इसीलिए दूध जलाने के लिए, मेरा मतलब है कि दूध को गर्म करने के लिए हम स्टोव जलाते हैं। दूध तो उबल कर हमने पी लिया, मगर स्टोव को हम जलता छोड़कर सोचिए, ईंधन जल रहा होगा, ईंधन की कितनी बर्बादी होगी। आजकल तो केरोसिन के भाव आसमान को छूने लगे हैं। हमें बहुत जल्दी है, हम चलते हैं, स्टोव को बंद करके आते हैं। अरे गंगाधर जी सुनिए तो, सुनिए तो, अजीब सरफेरा आदमी है ये। समझे, जरूर टॉय मैन का कोई सुराग मिला होगा शक्तिमान।
सुना बीच में फिर टांग अड़ाने आ गया शक्तिमान। से टकराने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मेरे खिलौने खिलौने नहीं आफत हैं जो तुझे सबक सिखा सकते। खिलौनों से टकराना इतना आसान नहीं है शक्तिमान, इतना आसान नहीं। सुखम् अष्टोत्तरम् महापुण्यम् साक्षात् सिद्धि प्रदायकम् तव प्रेम वशेनैव कथयामि शृणुष्व तत् विना यजनयोगेन विना ध्यानेन यत्फलम् तत्फलम् लभते सद्यो विद्याया सुकृपा भवेत् या विद्या भुवनेशाली त्रैलोक्य परिपूजिता सा देवी कुंडली माता त्रैलोक्यं पाति सर्वदा। टॉयमैन को रोकने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब ये क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है ये तबाही। अब तक का ये सबसे बड़ा हमला था टॉयमैन का। भयंकर रूप से तबाही फैलाई है टॉयमैन ने अपने खतरनाक खिलौने हथियारों से। शहर को बचाने उसने पूरी कोशिश की थी टॉयमैन के खिलौनों को रोकने की, मगर टॉयमैन के खिलौनों ने उसको भी थोड़ी देर के लिए घायल कर दिया। समझ में नहीं आता टॉयमैन क्यों कर रहा है तबाही, आखिर वो हमसे चाहता क्या है। शहर के लिए अचानक संकट बन चुके टॉयमैन को अगर नहीं रोका गया तो वो सारे शहर के अस्तित्व के लिए संकट बन जाएगा। आज शक्तिमान को भी मैंने अपने खिलौनों के दम पे हरा दिया। अब जब शक्तिमान को हरा सकता हूँ तो फिर इस शहर का राजा बनने से कौन रोक सकता है मुझे। सचमुच इस शहर पे हुकूमत करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। राजा, मेरा तो नाम ही राजा है, मेरी माँ ने रखा था, बहुत प्यार से रखा था उसने। वो यही चाहती थी
सपने देखे थे उसने कि उसका बेटा बड़ा होकर राजा बने, राजा। मेरी माँ का सपना पूरा होके रहेगा, मैं पूरा करूंगा माँ का सपना। पता है कितने सालों से मैं माँ के पास गया भी नहीं, सोचता था कि क्या मुंह लेके जाऊंगा माँ के पास, लेकिन अब तो माँ के पास जाना होगा मुझको, कि शहर का राजा जो बनना है, राज माता बनके माँ को राज जो करना है शहर में। अब मैं बहुत जल्द जाऊंगा माँ के पास, बस उससे पहले शक्तिमान को मिटाने की तैयारी कर लूं।